अभी तय करना है कि इस देश में मंदिरों की जरूरत है कि विश्वविद्यालयों की। अगर वो अमेरिका के लोग नस्ल भेद के खिलाफ लड़ सकते हैं तो भारत के दलित पिछड़े आदिवासी, भारत के गरीब मजलूम किसान जो पैदल अपने घरों को गए हैं, क्या वो भूल गए कि उनको दुख दर्द किसने दिया है? प्रधानमंत्री ने कहा था ना, आपदा को अवसर में बनाना। मैं उसी सूत्र वाक्य को पकड़ता हूँ। दंगे कराना हुआ, हिंदू मुस्लिम कराना हुआ, तो बताया ना कोई कोरोना मुसलमानों ने फैलाया, तबलीगी जमात में फैलाया, और पूरे देश में यह चेतना चली गई। सच जब तक पहुंचेगा तब तक झूठ अपना काम कर चुका है, वो लाठियां चला चुका है, वो नफरत दिलों में भर चुका है। सदी का सबसे विफल प्रधानमंत्री है जिसने अपने देश की जनता को एक बार नोटबंदी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, अर्थव्यवस्था उससे कभी उभर नहीं पाई, और कोरोना की आड़ में वे सारी विफलताओं को छिपाने की साजिश कर चुके हैं और अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिना तैयारी के अचानक नोटबंदी की शैली में प्रधानमंत्री आकर के लॉकडाउन करते हैं, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। दुनिया के देशों ने तैयारी की, वो भी तब जब उनके यहाँ हमसे कई गुना बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हमसे कई गुना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा देश जो सरकारी अस्पताल हैं और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरे हालात में है, बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री ने कोई तैयारी करना मुनासिब नहीं समझा और उसके बाद बिना तैयारी के लॉकडाउन कर दिया। जब बिना तैयारी के कर दिया और लाखों लोग जो इस देश के नागरिक हैं, जो मैं यह बात दावे से कर रहा हूं कि वो सारे लोग जो पलायन के शिकार होकर किसी देश के दूसरे कोने में कल को जो डर रहे थे कि CANRC पर उनको उस जगह का कागज नहीं मिलेगा जहां वो रहते हैं, अब देश में यह स्पष्ट हो गया कि इतने लोगों की तादाद कितनी बड़ी है जो पैदल अपने घरों के लिए निकल पाए। वो दृश्य इस देश के आजाद भारत के मुंह पर तमाचा है। उसके बाद दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि उन लोगों के लिए कोई काम नहीं हुआ। जब कुछ 100 आंकड़े आते थे तो इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, इन्होंने सारा कुछ बंद कर दिया, इस पे खूब बात हो रही। जब हजारों में आंकड़े आने लगे तब आप ट्रेनें चला रहे हैं, क्या ये काम पहले नहीं किया सकता था? उन लोगों की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उस पैदल घर जाने वाले लोगों में, पैदल जाते हुए मरने वाले लोगों में, वे ही लोग हैं जिनका आम जनजीवन आम परिस्थितियों में भी मारे जाते हैं, यानी देश के दलित पिछड़े आदिवासी, वे ही लोग पैदल निकल गए। इसलिए यह देश उस तरह के दृश्य को भी देखा। उसके बाद जब इस सरकार की विफलता सामने आई, आपके सरकारी अस्पतालों की विफलता सामने आई, आंकड़े कम होने चाहिए, दुनिया के देश जब लॉकडाउन को अनलॉक कर रहे हैं तो उनके यहाँ आंकड़े कम हो रहे हैं, रेशियो कम हो रहा है, हमारे देश में कई गुना बढ़ रहा है। अब आंकड़े छिपाने का खेल होने लगा और लगातार टेस्ट ही ना करो। हम लोग पढ़ाते हैं ना दिल्ली विश्वविद्यालयों में और स्कूलों में पढ़ते रहे, सम स्टडी सम कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ठीक इसी तरह से सम टेस्ट सम केसेस, मोर टेस्टिंग मोर केसेस, नो टेस्टिंग नो केसेस। तो आंकड़ों की बाजीगरी करते हुए इस देश में सारे आंकड़े छिपाए जा रहे हैं और यह डिबेट ही बदली गई कभी तबलीगी जमात के नाम पर। जो सांप्रदायिक हिंसा इस देश में RSS 90 साल से फैला रहा है, वही सांप्रदायिक हिंसा उसने वैश्विक महामारी के वक्त भी फैला ली। लेकिन मोदी जी ने तो हर संबोधन में कहा कि मैंने बहुत बढ़िया फैसला लिया है कि समय से लॉकडाउन किया और दूसरे देशों से हमारी हालत बहुत अच्छी है। सर, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं अगर ये दावा करूं कि मैं बहुत बेहतरीन शिक्षक हूं और मैं देखिए क्या रिजल्ट दे रहा हूं, मैंने ऐसे पढ़ाया मैंने वैसे पढ़ाया और मेरे विद्यार्थियों का रिजल्ट निगेटिव आ जाए, विद्यार्थी फेल हो जाएं, तो क्या ये मेरा दावा सही होगा? बस फिर मैं क्या करूंगा, मैं विद्यार्थियों की आवाज़ कोई सुन ना पाए इसकी कोशिश करूंगा और मैं खुद बोलते रहूंगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षक मैं हूं। यही काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अगर आप बेहतरीन निर्णय लिए हैं तो यह काम जनता का है कि वह प्रधानमंत्री की जय जयकार करे। और आज तो जनता इतनी परेशान है कि मीडिया उसे नहीं दिखा रही है, उन्हें खाना नहीं मिला, जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उतने लोग सरकारी बद इंतजामी से मर गए, भूख से मर गए, बीमारी से मर गए, OPD सारे बंद कर दिए गए। इस देश के अस्पतालों में जहाँ लगातार भीड़ रहती थी,
रोज टेस्ट करने वाले, रोज जांच करने वाले, इलाज कराने वाले आते थे, वो सारे ओपीडी तो बंद हो गया, वो जाने कितने लोग मर गए, कोई खोज खबर नहीं। तो ये आंकड़े की बाजीगरी वह प्राइम मिनिस्टर कर रहा है जो अपने जनता की आवाज नहीं दिखा रहा, और उसकी गिरफ्त में मीडिया है। तो मीडिया यही शिगुफा फैलाएगी और यह सच नहीं जानने देगी कि प्रधानमंत्री के दावे झूठे हैं, और यह प्रधानमंत्री सदी का सबसे विफल प्रधानमंत्री है जिसने अपने देश की जनता को एक बार नोटबंदी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, अर्थव्यवस्था उससे कभी उभर नहीं पाई, और कोरोना की आड़ में वे सारी विफलताओं को छिपाने की साजिश कर चुके हैं और अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सर, अगर हम विदेश नीति की बात करें, जिस प्रकार से जो हमारे पड़ोसी देश हैं लगातार सीमा पर तनाव है, और दुनिया में कहा जा रहा था, इस देश की मीडिया बता रही थी कि मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका पिट रहा, वो अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए, लेकिन अब जब सीमा पर तनाव आया, नेपाल जैसा छोटा देश भी अब हमें धमकी दे रहा है। मुझे लगता है कि जो ढपोर संघ वाला मामला होता है ना, वो बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है पंचतंत्र का। ढपोर संघ का काम ही ये है बोलना, करना कुछ नहीं। जब आप झूठे गुब्बारे में हवा भर के दिखाएंगे कि यह इतना विकास होता जा रहा है, तो गुब्बारे के पकड़ ढीली होते ही हवा निकलने लगेगी। मुझे लगता है कि देश चलाना लफाजी का काम नहीं है, देश चलाना झूठ बोलने का काम नहीं है, देश चलाना बिकी हुई मीडिया के जरिए झूठ को सच बना करके पेश कर अपनी छवि सुधारने का काम नहीं है। देश चलाना प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके नीतिगत फैसले लेना बेहद गंभीरता का काम है। आपने अब तक इस देश में केवल लफाजी की है, चुनावी वादों को कुछ कहा, और यही प्रधानमंत्री थे जो कहा करते थे कि मैं नसीब से इतना अच्छा हूं कि पेट्रोल के दाम कम हो गए, आपकी जेब में कुछ पैसे बचे कि नहीं। सर, हकीकत कुछ और है। तो जुमलों की दास्तानें ऐसी ही जब उधड़ती हैं तो विदेश नीति, गृह नीति, सब कुछ चौपट हो जाती है। वही इस समय भी हो रहा है। विदेश नीति में यह प्रधानमंत्री और देश पूरी तरह से इस सरकार की विफलता है कि वो चूक चुके हैं। लेकिन जब आप इतनी विफलताएं बता रहे हैं इस सरकार की, लेकिन जनता क्यों एक्सेप्ट कर रही है? मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस देश में लोकतंत्र उतना ही बचा है जितना इस देश में नैतिक मूल्यों का राजनीति में स्पेस बचा है। क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया अपनी भूमिका निभाती है कि जब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उसके निष्पक्ष होकर के मीडिया अपनी आवाज दिखाती है, जनता किस तरह से सरकार की नीतियों को ले रही है इसकी आवाज मीडिया दिखाती है। पूरी की पूरी मीडिया जिस तरीके से जनता के खिलाफ खड़ी है, यह प्रोपेगेंडा वहां से मॉडरेट हो रहा है। इसलिए मेरा आरोप है कि जनता कबूल कर रही है यह गलत है, यह झूठ है। प्रधानमंत्री और बीजेपी से इस देश की जनता का विश्वास उठ चुका है। जबरन किया जा रहा, यह विधायकों को खरीद करके सरकार बनी हुई चुनी हुई सरकारों को गिरा करके यह काम चल रहा है। तो अब इस देश में हालात ये बन चुके हैं कि सच को कितना बेरहमी से कुचला जाए, सच को कितना बेरहमी से दबाया जाए, यह काम सरकार से लेकर मीडिया कर रही है। इसलिए झूठ बोला जाता है कि देश में इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। मुझे लगता है कि बात चश्मे की है। हमारे आंखों पर अगर भक्ति का चश्मा है, हमारी आंखों पर किसी पार्टी या विचारधारा का चश्मा है, तो हमें सच नहीं दिख रहा है, तो हमें वह सच दिख रहा है जो बीजेपी और आरएसएस दिखाना चाह रही है। जनता त्रस्त है। बस दिक्कत क्या है कि विपक्ष, जो इस लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है कि जनता के सवालों को उठा करके सरकार को घेरा जाए, यहाँ विपक्ष भी विफल हो रहा है। जनता नाराज है लेकिन कुछ उसका ठोस परिणाम नहीं निकल रहा। प्रधानमंत्री ने कहा था ना, आपदा को अवसर में बनाना। मैं उसी सूत्र वाक्य को पकड़ता हूँ। दंगे कराना हुआ, हिंदू मुस्लिम कराना हुआ, तो बताया ना कोई कोरोना मुसलमानों ने फैलाया, तबलीगी जमात में फैलाया, और पूरे देश में यह चेतना चली गई। सच जब तक पहुंचेगा तब तक झूठ अपना काम कर चुका है, वो लाठियां चला चुका है, वो नफरत दिलों में भर चुका है। तो ये है आपदा को अवसर में बनाना। इसी तरह से आर्थिक विफलताओं में हर मोर्चे पर यह सरकार फेल हो चुकी थी, अब सारा ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाएगा? कोरोना के ऊपर। यह है आपदा को अवसर में बनाना। इसी तरह से
सारे शैक्षणिक संस्थानों को बजट काटना, शिक्षा से लोगों को वंचित करना, रोजगार लगातार कम होते जाना, ये सबके पीछे तो यह देश पहले से जूझ रहा था ना। अब सबका ठीकरा किस पे फोड़ा जाएगा? कोरोना पर, यानी इस वैश्विक महामारी पर। यही काम सामाजिक न्याय के साथ किया जा रहा है। सामाजिक न्याय के नाम पर ये लोग सरकारों में बड़े बड़े दावे करते हैं, भाषण देते हैं, अलग अलग बहुजन प्रचारकों के जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर भावुक भाषण देते हैं, लेकिन आरएसएस का जो एजेंडा है कि इस देश में हिंदुत्व के नरेशन के भीतर दलित, पिछड़े, आदिवासियों को समा लिया जाए, कोई जाति पर बात न करे, जाति के नाम पर 85% लोगों के संसाधन, जल, जंगल, जमीन, हिस्सेदारी, शिक्षा, रोजगार, इस पर 15% अपर कास्ट का कब्जा रहे, यह उनकी मंशा है। और जातियों के भीतर जमीन पर शोषण रहे, उत्तर प्रदेश और बिहार में जितनी हत्याएं हुई हैं वे सारे दलित और पिछड़ों की हो रही हैं, कोई भेदभाव नहीं, वहाँ कोई अपर कास्ट और सीधे बहुजनों के बीच सीधे युद्ध छिड़ा हुआ है। गाँवों में घुस घुस करके पटेलों को, यादवों को, कुर्मी को, दलितों को, कुशवाहा को मारा जा रहा, हत्याएं हो रही हैं। और दूसरी तरफ न्यायपालिका के जरिए तमाम उस तरह की चीज़ों के ऊपर बाधा लगाने का काम किया जा रहा है, जो कई दशकों की लड़ाई के बाद, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के संघर्षों के बाद हमें मिला था। इसलिए आरक्षण के खिलाफ वे लगातार काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करके आरक्षण की मूल भावना को ध्वस्त कर दिया, अब जो आरक्षण बचा है उसे भी न्यायपालिका, जिसे हम मनुपालिका कहने का जोखिम उठाते हैं, क्योंकि वहाँ भी आरक्षण नहीं है। तो मेरा सवाल यही है, मेरा आरोप यही है, आपदा को अवसर में बनाना यह आरएसएस और बीजेपी का खेल है, सामाजिक न्याय की हत्या करना ये इनका काम है। और इसीलिए आरक्षण को कभी मौलिक अधिकार नहीं होना है, कभी जितनी सीटें हैं अभी यूपी में 68,000-69,000 शिक्षकों की वैकेंसी आ रही है, उसमें 55-60% सवर्ण भर्ती हो रहे हैं, यह कैसा देश है भाई। इसलिए इस देश में अब आने वाला वक्त यह तय करेगा कि यह देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर हम इस देश को, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहते हैं, अगर हम संविधान को बचाना चाहते हैं, तो हमें जनता के सरोकारी मुद्दों पर सवाल उठाना होगा। मीडिया बिक चुकी है, और मैं तो कह रहा हूँ ये आपका यूट्यूब चैनल है ना, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मनो स्ट्रीम मीडिया है, और जो जनता की अदालत है वह असली न्यायपालिका है, बाकी वो जो न्यायपालिका है वो मनुपालिका हो चुकी है। वैसे ये सरकार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे ना, सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। जब अमेरिका में नस्ल भेदी हमला हुआ, एक व्यक्ति मारा गया था ना, पूरा अमेरिका उस कोरोना की महामारी में सड़कों पर आ गया। इस देश की जनता को तय करना, मंदिर बंद हुए तो कोई कितने जगहों पर कोर्ट ने अलग से बैठ करके मंदिरों को खोलने का फैसला ले लिया। अब ये तय करना है कि इस देश में मंदिरों की जरूरत है कि विश्वविद्यालयों की। अगर वो अमेरिका के लोग नस्ल भेद के खिलाफ लड़ सकते हैं, तो भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासी, भारत के गरीब, मजलूम, किसान जो पैदल अपने घरों को गए हैं, क्या वो भूल गए कि उनको दुख दर्द किसने दिया है? इसलिए उनको सड़क पर आना होगा, तभी संविधान बचेगा, तभी जमहूरियत बचेगी, वरना सरकारें तो आएंगी जाएंगी।